स्टूडेंट्स क्लास फोर्थ, आज हम अपना पार्ट दो पढ़ेंगे गर्म जामुन। यह कहानी शिबू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत अच्छी कविताएं लिखता था, लेकिन उसे उस जैसा विद्वान दूसरा कोई ना था उस राज में, इसलिए उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। तो पहले हम पढ़ते हैं, काफ़ी समय पहले की बात है, एक गांव में शिबू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छी कविताएं लिखता था। सारे गांव के लोग उन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते, यहां तक कि विद्वान मास्टर जी भी उसका लोहा मानते थे। शिबू ने गाने में राज के राजगायक को भी हरा कर विजय प्राप्त की थी। पूरे राज में उस जैसा विद्वान कोई दूसरा ना था। मैं आपको बता रही हूँ, गाँव में शिबू नाम का आदमी रहता था जो कि बहुत अच्छी कविताएं लिखता था। राज के दरबार में उसका बड़ा आदर होता था। धीरे धीरे उसे अपनी विद्वता का बड़ा घमंड हो गया। वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन फॉल होता है, मौसम की पहली बरसात होने वाली रहती है और शिबू घमंड में चलते रहता है। आज सड़क के किनारे जामुन के पेड़ काले काले जामुनों से लदे देखता और उसके मुंह में पानी भर आता है। वो सोचता है कि यह जामुन बड़े स्वादिष्ट होंगे। उसे अब वो खाने के लिए सोचता है, तो देखिए वो कैसे खाने को मांगता है। एक दिन वह सवेरे सैर के लिए निकला। मौसम की पहली बरसात होने वाली थी, काले बादलों ने घिरना शुरू ही किया था। शिबू अपने घमंड में चला जा रहा था। सड़क किनारे जामुन के पेड़ काले काले जामुनों से लदे पड़े थे, मैंने बताया था ना। रसीले जामुनों को देखकर शिबू के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा पेड़ पर लगे काले काले जामुन बड़े ही स्वादिष्ट होंगे। अब वो जब पेड़ से ऊपर देखता है तो देखता है कि उस पर कुछ बच्चे पेड़ पर जामुन खाते दिखाई दिए। तो शिबू भी सोचता है कि प्यारे साथियों मेरे लिए भी थोड़े से जामुन गिरा दो। लेकिन उसमें गोलू नाम का एक चंचल स्वभाव लड़का रहता है, तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे जामुन चाहिए, गर्म या ठंडे। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़े से जामुन के पेड़ के नीचे जाकर उसने आंखें उठाई और ऊपर देखा तो कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़कर जामुन खाते दिखाई दिए। शिबू ने नीचे से आवाज़ दी, प्यारे साथियों मेरे लिए भी थोड़े से जामुन गिरा दो। उन बच्चों में गोलू नाम का एक बच्चा था। हमने बताया था ना कि उन बच्चों में गोलू नाम का एक बच्चा था। वह बड़ा शरारती और चंचल था। वह ऊपर से ही बोला, भैया शिबू यह तो बताओ कि कैसे जामुन चाहिए, गर्म या ठंडे। शिबू गुस्से से बोला, भला जामुन भी कहीं गर्म होते हैं, चलो मुझसे मजाक ना करो, मेरे लिए थोड़े से जामुन तोड़ दो। वो जिद करता है कि हमें जामुन थोड़े से तोड़ करके दे दो। क्या जामुन गर्म और ठंडे होते हैं। गोलू नहीं मानता है, उसी बात को फिर दोहराता है कि यार तुम बताओ तो सही, जामुन दो प्रकार के होते हैं, तुम्हें गर्म चाहिए या ठंडे। शिबू की समझ में कोई बात नहीं आती है, तो वो बोल देता है मुझे गर्म जामुन चाहिए। तो देखिए आगे, गोलू बोला, भाई आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, क्या यह भी नहीं जानते कि जामुन दो प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडे। पहले आप बताइए कि आपको कैसे जामुन चाहिए, भला इसे जाने बिना आपको कैसे जामुन दूँ। वो कहते कि तुम बताओगे तो हम जानेंगे ना तुम्हें कैसे जामुन चाहिए। शिबू की समझ में नहीं आया कि जामुन भला गर्म कैसे होंगे, फिर भी वह उस रहस्य को जानना चाहता था, इसलिए बोला, अरे गोलू तुम मुझे गर्म जामुन ही खिलाओ, ठंडे तो मैंने बहुत खाए। वो कहता है कि मुझे गर्म जामुन ही दे दो, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं। गोलू ने शिबू की यह बात सुनकर, जब शिबू कहता है कि मुझे गर्म जामुन खिलाओ, ठंडे तो बहुत खाए हैं, तो गोली शिबू की यह बात सुनकर गोलू जामुन की डाली को हिलाता है और ढेर सारे जामुन जमीन पर गिरते हैं। और क्या होता है कि शिबू उसे, अब वो धरती यानी कि जमीन, वो धूल से सन जाते हैं जामुन, उसमें धूल लग जाती है, इसलिए शिबू उसे फूंक फूंक कर खाता है। लेकिन गोलू से क्या कहता है कि तुम देखिए उसे धूल से सन जाए, वो फूंक फूंक कर खाता है, कैसे खाएगा। देखिए गोलू ने शिबू की यह बात सुनकर जामुन की एक डाली को जोर से हिलाया, पके पके ढेर सारे जामुन नीचे धरती पर गिर गए, धरती पर धूल ही धूल थी। जामुन धूल से सन गए, शिबू जामुन उठाकर उन पर लगी धूल फूंक फूंक कर उनको खाने
खाने लगा। यह देखकर अपने गोलू ने पूछा, क्यों भैया जामुन खूब गर्म है ना? कहा, मैं तो साधारण जामुन ही खा रहा हूँ, शिबू बोला। वो कहते हैं, मैं तो साधारण जामुन है। नन्हे गोलू ने चौंक कर पूछा, क्या कहा ठंडे हैं? वो फिर पूछते हैं कि क्या कहा तुमने, ठंडे हैं? तो फिर आप इन्हें फूक फूक कर क्यों खा रहे हैं? इस तरह तो गर्म चीज़ें ही खाई जाती है, लेकिन वो फूक कर क्यों खाता है? क्योंकि हमने आपको बताया कि जब जामुन को गिरती है ज़मीन में तो उसमें धूल से वो सन जाती है, इसलिए वो धूल हटाने के लिए वो खाता है। नन्हे गोलू की बात का रहस्य अब जाकर शिबू की समझ में आया और वह बड़ा शर्मिंदा हुआ। इतना विद्वान पुरुष जरा सी बात में छोटे से बच्चे से गच्चा खा गया। गोलू भाई कैसी बड़ी बात कह गए, इसलिए हमें अपनी बातों पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप सब इसे रीड करेंगे, इसे पढ़ लेंगे, आगे की एक्सरसाइजें हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।